स्वागत करता हूँ आप सभी का भारत दस्तक पे। चलिए शुरुआत करते हैं उन खबरों की जो आपको कोई नहीं बताने वाला, और खबरें वही जो आपके मन को भी भाए। दोस्तों, जो सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश जिससे हमारे देश के 11 लाख से अधिक आदिवासी लोगों को बेदखल किया जा रहा है उनकी जमीन से। तो क्या है पूरा मामला, आइए आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की एक पीठ ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के 11 लाख से अधिक आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है। दोस्तों, इस आदेश की वजह से 17 से 18 राज्यों के आदिवासियों और अन्य जो लोग जंगल में रहते हैं उनका जीवन प्रभावित होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए भी आ सका क्योंकि हमारे देश की केंद्र सरकार आदिवासियों और वनवासियों के लिए बने एक कानून का सुप्रीम कोर्ट के अंदर बचाव नहीं कर सकी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी कि जिन लोगों के पारंपरिक वन भूमि के दावे कानून के तहत खारिज हो जाते हैं उन सभी को राज्य सरकार द्वारा निष्कासित किया जाना चाहिए। दोस्तों, आसान भाषा में कहे तो आदिवासियों से उन जमीन का सबूत मांगा गया है जिन पर वो अभी तक रहते हुए आए हैं। कानून और दस्तावेज की भाषा न समझने वाले आदिवासी कहाँ से सबूत दे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के ऊपर उन आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को निभाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उस प्रतिनिधित्व को निभाने के लिए मोदी सरकार असफल साबित हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। केंद्र सरकार को इस कानून के समर्थन में दलील पेश करनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन केंद्र सरकार दलीलें पेश नहीं कर पाई। सरकार को जिस कानून का बचाव करना था वो कानून था वन अधिकार कानून, जिसे संसद के अंदर 2006 में पारित किया गया था। इस कानून को हम लोग फॉरेस्ट एक्ट 2006 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस कानून के मुताबिक जंगल में किसी गतिविधियों को तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक किसी व्यक्ति और समुदाय के दावों का निपटारा नहीं हो जाता। दोस्तों, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बस केंद्र सरकार को डिफेंड करना था, लेकिन केंद्र सरकार इसे डिफेंड नहीं कर पाई। अब दोस्तों, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की ओर। 25 मार्च 2014 को दैनिक भास्कर की एक हेडलाइन थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आदिवासियों की जमीन हड़पने के कारण ही पैदा होते हैं नक्सली, और ये बात से मैं बिल्कुल जायज मानता हूँ क्योंकि दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी के घर में जाओगे, उन्हें परेशान करोगे, उनको उनके घर से बेदखल करोगे, तो वाकई यार उनको इसका विरोध करना पड़ेगा और इसके लिए वो हथियार भी उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं किसी दंगे फसाद का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। अब भैया, 13 फरवरी के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप किस तरीके से देखते हैं मुझे नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये आदेश से एक दो लोग नहीं पूरे के पूरे 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे और उनसे उनके घर छीन जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। चलो तो भैया, शुरुआत करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो भैया, पहली खबर निकल कर आ रही है यूपी के अंदर से। यूपी के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम है अपना दल। इसकी एक सांसद भी है अनुप्रिया पटेल जी, जो अभी वर्तमान केंद्र सरकार या कहे तो वर्तमान मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी है। अब यह पार्टी एनडीए गठबंधन में तो है, लेकिन इसका कुछ अभी ठीक चल नहीं रहा है एनडीए के साथ। अपना दल का कहना है कि एनडीए हमें हर जगह नजरअंदाज कर रही है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। भैया, अपना दल पार्टी ने बीजेपी के पास कुछ मांगे रखी थी जिसकी गाइडलाइन अभी खत्म हो गई थी। इसी गाइडलाइन खत्म होने के बाद इस पार्टी की सांसद एवं मंत्री अनुप्रिया पटेल जी और इस पार्टी के अध्यक्ष आशीष पटेल जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। अब मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अनुप्रिया पटेल जी का मन हो रहा है कि अब एनडीए से निकला जाए और यूपीए में जाया जाए। हालांकि दोस्तों, इस बात की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसी घोषणा होगी वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी, तो आप लोग हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया लोग, अगली खबर बड़ी दिलचस्प सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस के नेता, उत्तराखंड के पूर्व सीएम और केंद्रीय पूर्व मंत्री हरीश रावत ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो राम मंदिर बनाने का पूरा प्रयास करेगी। इससे पहले भी दो बार कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही है तो राम मंदिर बनाने का प्रयास कर चुकी है। अब ये प्रयास तो हमें कभी दिखा नहीं है, अगर आप लोगों को दिखा तो नीचे कमेंट करिए। भैया, सोचने वाली बात तो ये है और सोचनीय विषय भी ये है, अगर कांग्रेस राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी तो बीजेपी किसके नाम पर वोट मांगेगी, नीचे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भैया लोगों, इस खबर पर तो एक ही गाना सूट होता है, हम एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं।
तो भैया लोग अगली खबर निकल कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी से। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में अपने अकेले की दम पर उम्मीदवार उतारे थे और उसके 6 उम्मीदवार जीत भी गए थे। इन 6 उम्मीदवारों की मदद से ही कांग्रेस की सरकार चल रही है राजस्थान के अंदर। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस को बीएसपी ने भारत से समर्थन दिया है सरकार चलाने के लिए। लेकिन दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एकला चलो की रणनीति अपनाई थी, लोकसभा चुनाव में भी वो एकला चलो की रणनीति अपना रही है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि वो राजस्थान के अंदर सभी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर अपने अकेले के दम पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और बिना किसी गठबंधन के। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के अंदर अपने सभी जिला मुख्यालयों पर बैठकें कर रही है और दोस्तों उम्मीद जताई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी इस महीने के अंत तक या मार्च की शुरुआत तक अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। तो दोस्तों अब ये बात कर लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने आप को किन सीटों पर मजबूत मान रही है। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी अपने आप को 8 लोकसभा सीटों पर, राजस्थान की 8 लोकसभा सीटों पर अपने आप को मजबूत मान रही है। कौन सी है ये 8 सीटें, आइए आपको मैं बताता हूँ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, दौसा, चूरू, नागौर और जयपुर ग्रामीण, ये कुल 8 सीटें हैं जिसपे बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में मान रही है। दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो भैया लोग अगली खबर निकल कर आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस से उड़ाते नजर आए नोट। तो क्या है मामला, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारे जवानों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने ऐसी हरकत कर दी है जिसे देखने के बाद हर कोई शर्मसार हो जाएगा। हरिद्वार के शहर रुड़की में कांग्रेसियों द्वारा आयोजित शहीदों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीदों की शहादत का मजाक बना दिया गया है। दोस्तों शहीदों के कार्यक्रम में कव्वाली का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में कव्वालों के ऊपर यानी कि जो कव्वाली गा रहे थे उनके ऊपर जमकर नोट उड़ाए गए, यानी कि नोटों की बरसात की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत शामिल हुए थे। अब दोस्तों कांग्रेसियों ने तो इसमें हद ही पार कर दी। कांग्रेसियों ने वीरेंद्र रावत के ऊपर भी जमकर नोट उड़ाए, जहाँ पर वीरेंद्र रावत को कांग्रेसियों को ऐसा काम करने से रोका जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों वीरेंद्र रावत भी इसका खूब मजा लेते हुए नजर आए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे भी दबा दीजिए। और दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।